हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ कॉमेडी वीडियो एंड वीडियो नेम इज लॉकडाउन पर मोदी और पप्पू, टेकन फ्रॉम द चैनल हाफ इंजीनियर। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन। देखो भाई, जली को आप कहते हैं, मुझी को राग कहते हैं, और जिसमें से आज बेटर से भी ज्यादा गंदी बदबू, उसे पप्पू तोमर की जुराब कहते हैं। तो भाइयों और मोहतरमाओं, वेलकम टू द सेक्सी पाजी शो। आज हमारा पहला एपिसोड है और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर मोदी शर्मा और मिस्टर पप्पू तोमर। देखिए, ये तो घर बुलाकर बेइज्जती करने वाली बात हो गई और आप इनकी बातों पर हंस रहे हैं। हम जानते हैं इस सब के पीछे आप ही का हाथ है। इसके पीछे किसी का हाथ नहीं, बल्कि तुम्हारे गंदे पैर हैं। जाओ जाकर ये गंदी जुराबे बाहर निकाल दो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम किसी के बोलने पर अपनी जुराबे नहीं उतारेंगे। एक दिन ऐसी मशीन लगाऊंगा कि पीछे से गंदी जुराबे डालो और आगे से 2000 का नोट निकालो। गंदी जुराबे डालो और 2000 का नोट निकालो। क्या बात है। और गुरु, इसी बात पर एक शेर अर्ज करता हूं कि खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर क्यों ढूंढते हो। कि खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे पर क्यों ढूंढते हो। आज बता ही दो कौन सा माल फूकते हो। इसको छोड़िए सेक्सी पाजी, इसकी तो ऐसी ही बातें रहेंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के लोग इस 21 दिन के लॉकडाउन का इतने अच्छे से पालन कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने पिछले साल भी बोला था कि गुजरात में लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते। लेकिन जब मैं गुजरात गया तो मैंने देखा कि वहां के लोग आपस में लड़ रहे हैं, औरतें डंडा लेकर मर्दों के साथ लड़ रही हैं। अरे बेवकूफ, वो लड़ नहीं रहे थे, प्यार कर रहे थे, वो डांडिया खेल रहे थे। ओह वाओ, ओह नो, ओके सॉरी। देखो भाई, ट्रेन को हिंदी में कहते हैं रेल। घर से बाहर मत निकलना, पुलिस वाले रहे हैं पेल, और तेरे सामने कॉमेडी के मामले में कपिल शर्मा भी थे। अब तो मैं इसे दूर, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है क्योंकि इस बीमारी में कई दिनों तक मरीज को खुद भी पता नहीं चलता कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुका है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा याद दिलाया, बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। चलिए, किसी बात से तो आप सहमत हुए। मुझे याद है जब मैं नादान था, ना समझ था, तो मैं जेरी देखा करता था। अभी 2 घंटे पहले का बता रहे हो क्या? जी हाँ, आपको कैसे पता? अरे पप्पू, तू अब भी ना समझ है। देखो भाई, मुझे बस इतना पता है गुरु कि ये शो मैंने कराया आपके लिए शुरू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना क्या आप चाहते हो इस शो को आगे बढ़ाना। देखिए, आपका शो बहुत ही बेहतरीन है, मुझे काफी पसंद आया, लेकिन मुझे इनसे एक तकलीफ है। भोको भोको ठोको ठोको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लॉकडाउन इन्होंने किया है, ये कितने दिन के लिए किया है? 21 दिन। यही मेरी तकलीफ है। 21 दिन का मतलब समझते हैं सेक्सी पाजी आप? एक मतलब एक, और किस मतलब जुम्मा। सभी लोग जानते हैं कि ये अपनी टीम में सिंगल लोगों को लेना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए जिनकी सेटिंग है उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन किया है। क्योंकि जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो 21 कैसे मिलेगी। क्या हुआ सेक्सी बाजी, आप रो क्यों रहे हैं? सैनिक की याद दिला दी इसे।
माफी चाहूंगा सेक्सी बाजी, सॉरी सॉरी। अरे पप्पू, अगर इतना दिमाग तूने अपने काम में लगाया होता तो आज मेरी जगह ये लॉकडाउन का आदेश तुम दे रहे होते। मैं अपने देशवासियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग घरों में रहेंगे तो ही पूरे हिंदुस्तान की भलाई है। सही बात। और मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे देश की भलाई इसी में है। अरे गधे, हिंदुस्तान ही हमारा देश है। ओके सॉरी सॉरी, जय हिंद। ये तो मूर्ख है, आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत। Hey guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट या फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। और गाइस कुछ अलग ट्राई किया है, अगर पसंद आया हो तो बताना कि आप इसके एपिसोड आगे भी देखना चाहोगे या नहीं। और अगर देखना चाहोगे तो कौन से सेलिब्रिटीज को देखना चाहोगे, फिर मैं उन्हीं को लेकर आऊंगा आपके लिए। तो घर रहो, स्वस्थ रहो, आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। लव यू, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड बटन और घंटा होगा दोनों दबा लेना। क्या बात है, वेरी नाइस, ग्रेट, awesome, बेहतरीन। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बहुत ही कमाल की थी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर थी और काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ बनाई गई। और जो शायराना डायलॉग बातें वो मतलब काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी और मैंने तो भरपूर इन्जॉय की और काफ़ी मज़ा आया। और मतलब इन्होंने इसमें तीन गेटअप किए हैं जो कि बड़े अच्छे अंदाज के साथ और जो कि बड़े मज़ेदार किस्म के थे और बड़े परफेक्ट तरीके के साथ निभाए गए, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद है। मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा था और भरपूर इन्जॉय कर रहा था। मैं तो ये चाहूँगा कि इनको मतलब कुछ इस तरह की और सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए और काफ़ी सारे मतलब और सेलिब्रिटीज़ को इस तरह गेटअप अपना करके और लानी चाहिए, जो कि मज़ा आएगा देख के। मैंने तो इन्जॉय किया, कमाल का था। और मुझे मोदी वाला करेक्टर काफ़ी अच्छा लगा और बाकी जो दीगर इन्होंने दो किए सेक्सी वाला जो मतलब सिद्धू का था मतलब गेटअप टाइप, और बाकी जो पप्पू वाला वो भी मतलब कमाल का था। एंटरटेनिंग किस्म की, मज़ा आया वीडियो को देखकर। मैंने तो भरपूर इन्जॉय किया और एक तरह से बड़े अच्छे अंदाज के साथ बना के पेश की गई, जो कि वाकई में कमाल की थी और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर थी, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और मेरा रिएक्शन और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी। आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।